तो इतने लोग गाली वाली देते रहते हैं, ये है वो है, हम राम को नहीं मानते, बहुत अच्छा, हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हनुमान हनुमान को नहीं मानते, बहुत अच्छा। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, तीन माए, तीन चार आंख अपने आप खुल जाएगी घटाक्ष से, दुआ पढ़ लो निकल जाओ, आप भी पढ़ के निकल जाओ। मतलब हम अगर इस वक्त दलित होते तो हम अपनी टाइटल लिखते पांडे शुक्ला तिवारी, कौन रोक लेता हमको, हम होते तो हम यही लिखते, IPS IPS बन जाना तो झोपड़ पट्टी में मत जाना। इसलिए रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। यूपी बिहार में तो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार। तुमसे पूछेंगे वास्तव सिद्धि नौ निधि क्या था ना, चार भाई हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, चार भाई चार चीज के सूचक हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तीन माए तो तीन गुण हैं जीवन में, सत्व, रज, तम। कभी तुमको रामायण रामचरितमानस का मतलब क्या है अगर ये वास्तव में समझना है तो हमारे संत हैं बहुत बड़े भारत में, नारकुंडी महाराज, उनकी व्याख्या है रामायण की, पढ़ लोगे ना तीन चार आंख अपने आप खुल जाएगी घटाक्ष से। हिंदी में व्याख्या, हिंदी में मानस की व्याख्या। संतों का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो जीवन में बहुत फायदा होगा। पुरोहित अच्छा काम करते हैं, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देते हैं, लेकिन उतनी गहराई से उनको धर्म की पकड़ नहीं होती। पुरोहित को सिर्फ थ्योरी पता होती है, जरूरी भी है किसी भी धर्म का पुरोहित हो, हिंदू, मुसलमान, किसी भी धर्म का। हसन बसरी बसरा के थे, शेख सूफी थे, उनको नदी पार करके जाना होता था डेली, तो मस्जिद के मौलाना से उन्होंने कहा कि मौलाना साहब डेली नदी पार करना पड़ता है, 50 पैसा देना पड़ता है। तो मौलाना ने कहा कोई जरूरत नहीं है यार, दुआ पढ़ लिया करो, दुआ पढ़ गया नदी चले जा करो इसे चलते हुए। तो उन्होंने कहा ठीक है, गए दुआ पढ़े और पार हो गए चलते चलते। अब वो डेली यही करते थे, चल के चले आते थे उतर आते। एक दिन मौलाना साहब फंस गए नदी किनारे, रात में नाय बंद हो गई, मौलाना साहब बसरी साहब को मिले, बोले यार हसन यार नदी पार करनी है। अरे बोले क्या, आप ही तो बताए थे हमको कि दुआ पढ़ लो निकल जाओ, आप भी पढ़ के निकल जाओ। तो बोले तुम निकल जाते हो। अरे बोले है तब से तो यही कर ही रहे हैं, तो दुआ पढ़े हसन साहब और नदी पे चलते हुए चले गए, फिर लौट आए। हम ही बताए थे इसको, तो मौलाना भी पढ़ के चले, जैसे चले डूब गए। बहुत बड़े संत थे वेस्ट एशिया में बयाजिद, तो दोनों लोग उनके पास गए कि महाराज यही सिखाए थे हमको, ये डूब जा रहे हैं और हम चल रहे हैं। तो कहे तुम बहुत यकीन से पढ़ते हो, इनको पता तो है यकीन नहीं है। धर्म इतनी बड़ी चीज है, हम तो इतने लोग गाली वाली देते रहते हैं, ये है वो है, हम राम को नहीं मानते, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, जाओ चाय पियोगे, नहीं नहीं जाओ, अब हम ठेका लिए सबको धर्म मनवाने का, मत मानो। हैं? हम सबको ठेका लिए मत, बहुत हमारे दोस्त हैं, हम नहीं मानते, हम हिंदू धर्म को नहीं मानते, हम हनुमान हनुमान को नहीं मानते, बहुत अच्छा, जाओ बीड़ी पियोगे, नहीं नहीं जाओ। तुम इतना लोड क्यों लेते हो? जब हिंदुस्तान के लोगों के पास मौका आया, मतलब हम अगर इस वक्त दलित होते तो
सकता हूँ अपनी टाइटल लिखते पांडे शुक्ला तिवारी, कौन रोक लेता हमको? सब दलितों को यही टाइटल लिखनी चाहिए, अगली जनरेशन कोई जाने नहीं पाएगा। नहीं, हम होते तो हम यही लिखते। 20 साल में सब इक्स मिक्स हो जाता, पते नहीं चलता ओरिजिनल वाले कौन है नकली वाले कौन है। लेकिन ये चीज वोट बैंक के खिलाफ है। वोट बैंक राजनीति जो ना कराए, अब कौन रोकेगा? अब कोई रोक सकता है किसी को उपनिषद पढ़ने से, रामचरितमानस रामायण पढ़ने से? अभी तो सहे समय था। जाओ बीड़ी पीते हो, जाओ ऐसा करो। ब्रिटेन ने गलती कर दी, गलती नहीं ब्लंडर। ये जो लोग बेचारे सड़क पे चल रहे थे काली पट्टी बांधकर, इन पे गोली चलवा दी, और उसी को कहते हैं बोस्टन मैसेकर ऑफ 1770। आर्मी जो है ना वो दुश्मन के लिए है, घर के अंदर के लोगों के लिए नहीं है। खैर इस देश में तो लोगों को प्रोटेस्ट करना आता ही नहीं। यहां अगर 100 लोग सड़क पे निकल गए तो सिवा बदतमीजी के कुछ नहीं करेंगे। प्रोटेस्ट एक बहुत अच्छी चीज है, जनतंत्र की आधारशिला है प्रोटेस्ट। 5,000 लोग विधानसभा के सामने काली पट्टी बांधा के भजन गा रहे, या भजन नहीं भी गा रहे तो चुपचाप बैठे हुए, बस आपका प्रोटेस्ट चल रहा है, मीडिया रिपोर्टिंग कर रही है। लेकिन यहां जैसे भीड़ होती है वैसे हर मरा हुआ आदमी जिंदा हो जाता है। किसी की स्कूटर रोक लिए, किसी स्कूटी वाले तमाचा मार दिए। एक्चुअली मरे हुए आदमी की ताकत ही है भीड़। जो मरा हुआ है वो जैसे भीड़ पाता है वैसे उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, ट्रेन में घुस जाएगा, ट्रेन खींच देगा। तब सरकार को कदम उठाना पड़ता है। सरकार के अपने अपने, उसने इतने लोगों को रखा है सरकार ने, उसमें से एक विंग है RAF रैपिड एक्शन फोर्स, तो आंख में पट्टी बांध के मारती है। पर RAF अगर लग गई तो मत जाना, और RAF अगर लग गई, वो ब्लू कलर का सूट पहनते हैं आर्मी वाली डिजाइन में, और मतलब 6 फीट से नीचे किसी की हाइट ही नहीं होती, सब 6 फीट रॉड लिए होते हैं रबर का, और जब लाठी चार्ज का ऑर्डर होता तो पट्टी रखे होते, निकाल के बांध लेते हैं। जो सामने पड़ गया, जो पड़ गया उसको एक लाइन में स्प्रेड करते हैं, लाइन में कैसे लाइन में बढ़ोगे तुम? तो जो सामने पड़ गया, सरकार है ना, उससे क्यों बदतमीजी कर रहे हो? लेकिन यहां ब्रिटेन ने बदतमीजी की, जैसे जलियांवाला बाग मैसेकर, वो वैसाखी के लिए इकट्ठा हुए थे लोग, उसमें औरतें थी, बच्चे थे, बूढ़े थे। जनरल डायर को उनसे बोलना चाहिए था कि तुमको हम 4 घंटे का समय देते हैं, तुम हटो यहां से। अगर तब कोई नहीं हटता तब वो एक्शन ले सकता था। तब भी मारना सॉल्यूशन थोड़ी है। कभी कभी तुम कोशिश करते हो किसी को डराने की, लेकिन वो इतना अंदर से परेशान होता है कि वो डरता नहीं। IPS बन जाना तो झोपड़पट्टी में मत जाना, स्लम एरिया में पिस्टल उस्टल लेके नाच रहे हो वहां, क्योंकि वो जो स्लम एरिया का आदमी ना उसकी जिंदगी ऑलरेडी नरक है। ये जो मिडिल क्लास है ना ये पुलिस वालों से डरता है, इसकी जिंदगी स्टेबल होती है, बीवी है, चिंटू पिंटू है, संडे को ले जाता उनको बैराज पे पिकनिक मनाने के लिए। पिकनिक में क्या मनाता ही हमको आज तक समझ में नहीं आया। मतलब एक बार हम गए थे, वहां एक दोस्त है, गए इंडिया गेट पे, अपना बेडशीट वेडशीट बिछाए, सब खाने पीने के निकाले, हमने कहा मनाओ, तो बोले यही है बस, ताश खेलेंगे और कोल्ड ड्रिंक और जो पैटीज वगैरह बना के लाए इसको खाएंगे। नहीं पिकनिक है, तुम भिख मांगे
इतने देर में 10 गेम हो जाएगा चेस का, कुछ कैलकुलेशन हो जाएगी, इनको यहां मारना है, उनको वहां हटाना है, साजिश हो जाएगी किसके साथ कौन सा कांड करना है। तो तुम यहां आराम घोरी पेड़ के नीचे बैठे हो 4 घंटा, एक किताब का 10-20 पन्ना पढ़ लेगा आदमी 4 घंटे में। गलत किया ब्रिटेन ने, नहीं मारना चाहिए था। शक्ति सेवा के लिए है, इसलिए रामचंद्र जी भगवान है, कहीं भी मिसयूज नहीं करते। तो यूपी बिहार में तो हीरो होंडा स्प्लेंडर पे लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार, मतलब जो स्विफ्ट पे लिखा है वो तो ठीक है, थोड़ी सी इज्जत है, स्प्लेंडर पे वो तो अच्छा है, उस पर लिखा है नहीं है गवर्नर। भला इनको अगर सबको शक्ति दे दी जाए तो ये तो जीने ही ना दें। तो बहुत सही आदमी के पास शक्ति है, राम के पास, कि धोबी ने अगर कुछ कहा तो धोबी को उन्होंने कुछ नहीं कहा। समंदर के साथ बदतमीजी नहीं की, रावण के साथ बदतमीजी नहीं की, मरने के बाद मुक्ति दी उसको। लक्ष्मण को बुलाया, कहा ज्ञानी है इससे ज्ञान ले लो। तब भगवान है, भगवान का मतलब यही है जो शक्ति का सदुपयोग करना जाने, और शैतान मतलब जो शक्ति को मिसयूज करना जाने। इनको नहीं मारना था, मार दिया इन्होंने, इन्होंने सोचा डरा देंगे। पर जो आदमी परेशान होता है ना उसको तुम नहीं डरा पाओगे, वो कहता ठीक है तुम हमारे साथ बदतमीजी करोगे लो अब। और यहीं पर रिफ्ट टर्न्ड इनटू, लिख लो,